हेलो गाइस, आज मैं आप सभी को सिखाने वाला हूँ। देखिए, स्क्रीनशॉट कैसे लिया जाता है, स्क्रीन रिकॉर्डिंग कैसे की जाती है, वो भी एंड्रॉयड फ़ोन में। जैसे देखिए, मेरे पास आज फ़ोन है, वीवो का फ़ोन है, एंड्रॉयड फ़ोन है ये, और ये करीब वीवो Y20 है जो 2021 में रिलीज़ हुआ था। तो आज देखिए, सबसे पहले देखिए आपको ये मेन्यू बार निकाल लेना। देखिए ऐसे कुछ तरह से, किसी मोबाइल में देखिए ऊपर से होता है, किसी में देखिए ऐसे नीचे से होता है। तो देखिए मेरे इसमें ऊपर से है, मैं देखिए ऐसे खोलता हूँ। यहाँ पे देखिए एक एस कैप्चर नाम से ऑप्शन दिया रहता है। इस एस कैप्चर मतलब एस कैप्चर का मतलब होता है स्क्रीनशॉट कैप्चर। इस एस कैप्चर को देखिए दबाएंगे आप, देखिए यहाँ पे देखिए 3-4-5 प्रकार के देखिए स्क्रीनशॉट लेने का ऑप्शन दिया है। देखिए जैसे लॉन्ग स्क्रीनशॉट, रेक्टेंगुलर स्क्रीनशॉट, फनी स्क्रीनशॉट, और जैसे स्क्रीन रिकॉर्डिंग भी दी जाती है। देखिए यहाँ से स्क्रीन रिकॉर्डिंग दबा के आप देखिए स्क्रीन रिकॉर्ड कर सकते हैं। जैसे देखिए लॉन्ग स्क्रीनशॉट दबाया मैंने अभी, अब लॉन्ग स्क्रीनशॉट दबा के देखिए यहाँ पे देखिए सेव के बटन आते हैं सबसे नीचे में, देखिए राइट बॉटम में, तो उसको दबा दिए तो देखिए लॉन्ग स्क्रीनशॉट निकल गया, जिसमें पूरे फ़ोन की स्क्रीनशॉट आ जाती है। दूसरा होता है देखिए रेक्टेंगुलर स्क्रीनशॉट, जिसमें हम अपने सिलेक्टेड पार्ट को ही सिर्फ स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं। जैसे देखिए मैं इन ये ऊपर की जितनी देखिए, जैसे ये 7 ऐप जो है, प्ले स्टोर असिस्टेंट, कॉन्टैक्ट मैनेजर, म्यूजिक, थेम, गूगल्स, इन सब को देखिए मैं स्क्रीनशॉट ले रहा हूँ बस इतने इसका। यहाँ पे देखिए सेव दबा दिया जाता है तो ये देखिए स्क्रीनशॉट निकल जाता है, और देखिए हम इसको स्क्रीनशॉट अपनी गैलरी, मोबाइल गैलरी में सेव भी हो जाता है। थैंक यू।